जैसे यहां पर खड़े इस ऑयल टैंकर का पहिया जाम है, ठीक इसी तरह कराची में ऑयल टैंकर्स का पहिया दूसरे रोज भी जाम रहा। हड़ताल की वजह से बंदरगाहों और मुख्तलिफ डिपोज को तेल की तरसील मुतासर हो रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के शीरी जिना ऑयल टर्मिनल में दूसरे रोज भी टैंकर्स कतारों में खड़े हैं। शहर भर में तेल की तरसील बंद है, किसी ऑयल टैंकर ने तेल सप्लाई का काम ना किया। ऐसे में ड्राइवर्स ने भी टर्मिनल पर डेरे डाल दिए। कहते हैं कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते हड़ताल जारी रखेंगे। ये सर जिंदा मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो चलता रहेगा ऐसे। ये आपको हुकूमत को चाहिए कि हर जिले का पुराना लाइसेंस जमा करे और नया लाइसेंस हैवी देवे। शहर में पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा। जिसने टंकी भरवा ली तो खुश रहा, जिसके पास नहीं वो मुश्किलात ही झेलता रहा। ये बहुत बड़ा जुल्म है, हुकूमत को चाहिए कि फौरन पेट्रोल मुहैया करे। और पेट्रोल मानकाल के बाद पेट्रोल पुराना मौजूद होगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया होगा। कल से आज तक में आवाम को परेशान किया जा रहा है। रात से लाइनें लगा हुई, पेट्रोल खत्म हो गया जबकि भरा हुआ सब कुछ। मुल्क भर के ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ओग्रा की जानिब से गैर मयारी ऑयल टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई और मोटरवे पुलिस के कानून के खिलाफ एहतजाजन काम छोड़े बैठी है। हड़ताल की वजह से पोर्ट कासिम और किमाड़ी बंदरगाह समेत मुख्तलिफ डेपो से तेल की सप्लाई मुतासिर है।